हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और अब हमारे गुलदाउदी के जो प्लांट हैं, देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इसको अगर हम पिछले सीजन में बचा लेते हैं, मार्च के बाद जब ये प्लांट हमारे फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, तब हमें इन्हें सेव करना होता है। और सेव करने के बाद अगर हम इसे गर्मी में प्लांट को बचा कर ले जाते हैं, तो फिर इस तरह से हमें अगले साल बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं। और उन प्लांट से, बचे हुए प्लांट से हम कटिंग लगा लगा कर बहुत सारे प्लांट नए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें न्यू प्लांट नर्सरी से नहीं खरीदने पड़ते हैं, बल्कि हम खुद ही कटिंग लगा लगा कर अपने विंटर सीजन के लिए बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं। मैंने अपने बहुत सारे प्लांट बचा लिए थे। मेरे पास इनमें बहुत सारे कलर हैं दोस्तों। ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है और एक बहुत ही अच्छा मैजेंटा कलर है जो बहुत ही सुंदर था। तो मैंने ये तीनों कलर अपने गार्डन में बचा लिए थे और उन्हीं की कटिंग लगा लगा कर मैंने अगस्त के मंथ में कटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया था। और आप देखिए ये कितने बड़े बड़े प्लांट मेरे तैयार हो चुके हैं। हम अभी भी कटिंग लगा सकते हैं, जो नहीं लगा पाए हैं वो लोग अभी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर के स्टार्टिंग से इसमें कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, तो हमें सितंबर में इनमें कुछ काम करना होगा। वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस समय हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, जो कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी देना पड़ेगा, तो वही हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस प्लांट को बुशी बनाना है। और बुशी बनाने के लिए, क्योंकि जितना हमारा प्लांट बुशी होगा उतना ही अच्छा, ये इसमें से जब हम इसे यहाँ से कट करेंगे, जो ब्रांच हमारी ज़्यादा लंबी हो गई है उनको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से हम जो भी ब्रांच कट करेंगे, तो उस कट करने के बाद यहाँ से हमें दो दो ब्रांचेज मिलेंगी। जब हमें यहाँ से दो ब्रांचेज मिलेंगी और वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, इस तरह से जब वो लंबी होने लगेंगी, तो हम यहाँ से भी उसको कट कर देंगे। तो उन दोनों ब्रांचेज को कट करने के बाद हमें चार चार ब्रांचेज मिलेंगी, क्योंकि हमने जो पहली ब्रांच की है वहाँ से दो ब्रांचेज निकलेंगी, फिर वो जो दो ब्रांच हम कट करेंगे तो वहाँ से दो दो ब्रांचेज और निकलेंगी। इस तरह से हमारा प्लांट जो है बुशी होता चला जाएगा और जितनी भी न्यू ब्रांचेज जाती हैं उनमें सब में कलियां बनती हैं। तो इस तरह से प्लांट जितना ज़्यादा बुशी होगा उतनी ज़्यादा हमें कलियां मिलेंगी, फ्लावरिंग मिलेगी। तो सबसे पहला दोस्तों, सितंबर के मंथ में हम ये काम कर सकते हैं कि अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाएं पिंचिंग करते हुए। तो पहला काम तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है, जैसे हम इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने प्लांट की, तो इनके लिए जो हम मिट्टी बनाएंगे वो इतनी अच्छी मिट्टी बनाएंगे, एक तो उसे रिच मिट्टी बनाएंगे फर्टिलाइज़र वगैरह देके खूब अच्छा सा, और उसके बाद वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है जिससे उसमें पानी ना रुके, बिल्कुल भी पानी को होल्ड ना करके रखे मिट्टी। तो इस तरह से हम मिट्टी बनाएंगे। मैंने अपने सारे प्लांट रिपॉट कर दिए हैं। इस तरह से देखिए सिरामिक पॉट में ही मैंने लगाए हैं, कुछ क्यारियों में भी लगाए हैं मैंने अपने। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी अपने प्लांट को लगाया हुआ है। और जो भी हम अपनी कटिंग कर रहे हैं उनको भी अभी हम पिंचिंग करके, कटिंग जो निकलेंगी उनको भी लगा सकते हैं गार्डन में। बस इस तरह से मिट्टी में आपको अंदर दबा देना है। और मिट्टी बस अब ध्यान रखिएगा, पोरस मिट्टी बनाइए। अब जैसे मेरी ये कटिंग तैयार हो गई है, तो इसको ऊपर से, ये जो देखिए इतना हिस्सा है, यहाँ से पिंच करना है। चाहे तो आप कटर से भी पिंच कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से ही इसको इस तरह से पिंच कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जहाँ से पिंच किया, यहाँ से न्यू न्यू ब्रांचेज निकलेंगी। और मैं काफ़ी पिंचिंग कर भी चुकी हूँ, और जब भी मुझे लगता है, देखिए यहाँ से मैंने पिंचिंग की है, ये दो ब्रांचेज निकली हैं, यहाँ से एक ब्रांच और ये दो ब्रांच। अब ये दो ब्रांचेज बड़ी हो गई हैं, तो अब यहाँ से मैं इन दोनों को पिंच करके फिर यहाँ से पिंच कर दूंगी, तो ये ब्रांचेज की संख्या बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी उतना प्लांट मेरा बुशी होता चला जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, इस समय मिट्टी की बात कर ली हमने, इसमें पानी का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसी मिट्टी नहीं बनानी है जो पानी बहुत ज़्यादा भरा रहे। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही सितंबर, अब बरसात हुई है, बरसात में मिट्टी भी गीली रहती है और इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और सितंबर के ख़त्म होते होते हमारे प्लांट में मिलीबग लगना शुरू हो जाता है। और जब एक बार मिलीबग लग जाता है तो आप अपने प्लांट को चेक करते रहिए। जहाँ पर भी आपको चींटियाँ अगर आती हुई दिख रही हैं अपने प्लांट के ऊपर, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्लांट में इंसेक्ट लग चुके हैं। आप तुरंत उसका उपचार कीजिए। अगर उस समय उपचार नहीं करेंगे तो वो चींटियाँ आपके प्लांट से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक सब जगह वो उसके एग लेके फैला देती हैं। और जब प्लांट बुरी तरह से हमारा इंसेक्ट से भर जाता है, तब उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इंसेक्ट लगने से पहले ही अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे हर 8 दिन में या फिर 10 दिन में तो जरूर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, ताकि आपका प्लांट इंसेक्ट
लगे ही ना उसके अंदर, क्योंकि इंसेक्ट लगने के बाद फिर थोड़ा सा जब सारे प्लांट में फैल जाती हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो मैं इस तरह से अपने प्लांट में अब नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ। कभी नीम ऑयल का कर दीजिए, कभी साबुन का पानी घोल के, पानी में खाली खाली पानी में साबुन घोल के या शैम्पू घोल के और उसका भी स्प्रे करते रहिए, तो उससे हमारे प्लांट में किसी भी तरह का इंसेक्ट लगना ही लगेगा ही नहीं। और दोस्तों बीच बीच में पिंचिंग तो आपको ज़रूर करते रहना है प्लांट को बुशी बनाने के लिए, क्योंकि फिर एक बार जब कलियाँ आ जाएंगी तब हमें ये मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने प्लांट को बुशी बना सकें। इसके बाद जब हमारे प्लांट इंसेक्ट नहीं लगेगा तो प्लांट खूब अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा, खूब अच्छी कलियाँ बनेंगी। इस समय हमारे प्लांट को दोस्तों बढ़ाने के लिए इस समय आप कोई भी नाइट्रोजन से युक्त फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। मैंने इन जब प्लांट को अपने लगाया था और ये बड़े हो गए तो इनमें वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र दिया था, दो दो मुट्ठी। और आप इस तरह से फर्टिलाइज़र देंगे तो इनकी ग्रोथ बढ़ने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अब जब हम इसके फर्टिलाइज़र दिए हुए हमें 10-15 दिन हो चुके हैं, तो अब इस समय हमें जो फर्टिलाइज़र देना है ताकि इनमें कलियां बनने स्टार्ट हो जाएं, ताकि क्योंकि सितंबर का महीना आधा निकल चुका है और अक्टूबर स्टार्टिंग तक हमें इसमें कलियां अगर चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए, तो अब हमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। और वो उसके लिए हम कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इसी के साथ में आपको एक काम और करना होगा कि इसमें आप समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहिएगा, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र देना है या फिर आप इसमें अनियन पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र दूंगी, वो कैसे दूंगी, तो सबसे पहले हमें यहाँ की जो मिट्टी है इसकी गुड़ाई कर लेनी है। खूब अच्छी तरह से हम इसमें गुड़ाई कर लेंगे। बारिश में वैसे भी दोस्तों मिट्टी थोड़ी सी जमी जमी सी हो जाती है, वैसे तो पोरस मिट्टी है लेकिन बारिश हमारे यहाँ खूब ज़्यादा हुई है, अभी लगातार बारिश होती रही है, तो इसलिए हमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई 8 दिन में करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी पोरस बनी रहे, नीचे हमारी प्लांट की रूट को ऑक्सीजन मिलती रहे। देखिए अब हम बात कर लेंगे फर्टिलाइज़र की कि अब हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये लिया है वर्मी कंपोस्ट में अच्छी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। और ये देखिए मैं काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे, तो मैं उसी हिसाब से अपना वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। और आपको जितने भी प्लांट में बनाना है आप उस हिसाब से, पर प्लांट के हिसाब से मैं ये 2 चम्मच ले रही हूँ क्योंकि ये चम्मच भी काफ़ी बड़ी है, तो ये मैं 2 चम्मच पर प्लांट के हिसाब से ले रही हूँ। तो मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों, ये देखिए मैंने कुछ दाने डीएपी के लेने हैं, जैसे एक प्लांट के लिए कम से कम, अगर आपका पॉट आपका 8 इंच का है तो आप 8 दाने डीएपी के ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे प्लांट के लिए बना रही हूँ तो मैंने ये 1/2 चम्मच के करीब ले लिया है। और इसी के साथ दोस्तों हम लेंगे यहाँ पर बोन मील, क्योंकि बोन मील में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस कैल्शियम सभी चीज़ें मिक्स होती हैं, और साथ में ये रूट्स को भी बना के इसकी रूट्स को भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने में मदद करता है। तो हमने ये कुछ 3-4 चम्मच हम यहाँ पर बोन मील ले लेंगे। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अंडे के छिलके का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप सीवीड का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास लिक्विड सीवीड है तो मैं लिक्विड सीवीड भी हर 15 दिन में पानी में मिक्स करके देती रहती हूँ अपने प्लांट को। तो चलिए इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं हर प्लांटर में अपने 1-1 चम्मच भर के, ये देखिए खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हर प्लांटर में 1-1 चम्मच दे देंगे। मैं इस समय क्यारी वाले में डाल रही हूँ, तो हर पॉट जो मेरा हर प्लांट है उसमें 1-1 चम्मच डालती चली जाऊँगी। और इसी तरह से आपको 15-20 दिन में कम से कम इसको रिपीट करना है ताकि आपका प्लांट खूब अच्छी सी ग्रोथ करे। और इसी के साथ में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बीच बीच में देना है, इससे हमारा प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, इसमें कलियां बननी शुरू होंगी और हमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दीजिए और अपने प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ती है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।